بسم الله الرحمن الرحيم। बच्चों आज हम लोग दर्जा 9 यानी कि क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे और इसका जो उन्वान है आप देख रहे हैं कि क्या हमारे अतराफ में मादा खालिस है यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्लास है आपको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के वजह से परेशान हो रखी है। इस कोरोना वायरस के बावजूद मदरसा बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन हैं अब्दुल कयूम अंसारी साहब उनके गाइडेंस में ये क्लास का एहतमाम किया गया है यानी इंतज़ाम किया गया है और आप बिना कुछ किए बिना कुछ स्कूल गए या कॉलेज गए इस चीज़ का फ़ायदा आप इस चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चों आज जो है आप इस लॉकडाउन के बारे में और इस चीज़ के बारे में आप बखूबी जान चुके हैं और आपके साथ मदरसा बोर्ड हमेशा खड़ा है और अब्दुल कयूम अंसारी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे इस चीज को तैयार किया जाए और बनाया जाए। तो बच्चों आज हम लोग इस चीज का पढ़ेंगे जो कि हमारा केमिस्ट्री है और उसमें दूसरा चैप्टर जो है ये दिया हुआ है इज मैटर अराउंड अस प्योर यानी कि क्या हमारे अतराफ में मादा जो है खालिस है। तो बच्चों मादा के बारे में आप पिछले क्लास में जान चुके हैं कि मादा जो होते हैं कोई भी चीज जैसे सॉलिड है लिक्विड है गैस है इसको हम क्या कहते हैं मादा कहते हैं मतलब मैटर कहते हैं। मैटर के बारे में आपको पता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर यानी जो भी चीज जगह घेरती हो जिसका अपना वजन होता हो उसको हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं। तो इसमें बच्चों क्या बोला जा रहा है कि ये जो इसमें ये बोला जा रहा है कि क्या ये जो मैटर है यानी कि अराउंड अस प्योर यानी कि जो सॉलिड है लिक्विड है गैस है ये क्या मतलब प्योर है या नहीं प्योर है इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं प्योर के बारे में यानी कि खालिस के बारे में यानी कि जो हमारे अतराफ में जो खालिस है मतलब जो प्योर है वो कैसे हैं। तो देखिए बच्चों अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते होंगे तो आपको इस चीज़ में हमको बताने में आसानी होगी कि अगर मान लेते हैं कि कहीं भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं किसी बाजार में गए मतलब दुकान पे गए या कहीं भी गए तो आप देखिएगा कि वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई रहती हैं जैसे जो सामान रखा रहता है मिसाल के तौर पे जैसे नमक है घी है ठीक है दूध है तो उसमें आप देखिएगा कि लिखा रहता है प्योर। प्योर का क्या मतलब है यानी कि खालिस का क्या मतलब है। तो बच्चों इसमें जैसे जो साइंसदाने हैं यानी जो साइंटिस्ट हैं वो ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्योर है एक चीज़ से मिलके नहीं बनी है बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं क्या कहते हैं ज़रात कहते हैं। तो बच्चों आपको पता है जब पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे मिलके क्या होते हैं बड़े हो जाते हैं बड़े होने के बाद वो बहुत सारे चीज़ों में तब्दील कर जाते हैं जैसे मिसाल के तौर पे जैसे नींबू है और पानी है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम पानी लेते हैं ये पानी हो गया और ये नींबू हो गए ठीक है तो इसमें ये जो है ये नींबू हो गए तो जब हम इसको क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को अगर इसमें हम मिलाएंगे तो क्या होगा वो जो पार्टिकल्स है यानी कि जो ज़रात है वो एक दूसरे में क्या होगी मिल जाएगी। मिलने के बाद क्या होगा कि पता चलेगा कि ये जो खालिस है यानी कि ये जो है प्योर है या इम्प्योर है। तो बच्चों इसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो मैटर है यानी जो मादा है वो प्योर है या इम्प्योर है। तो बच्चों उसको पता करने का एक तरीका होता है उस तरीके को हम लोग देखते हैं कि एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है जैसे उसका एक स्केल होता है वो स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं क्या कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो है वो कितना एसिडिक है ये कितना बेस है इसमें कितना न्यूट्रल है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी खाने की जो चीज़ है
वो आप कैसे पता कीजिएगा कि इसमें मतलब ये जो चीजें हैं वो आप प्योर हैं या इम्प्योर हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप देखिएगा, इसमें जो है आपको मिक्सर मिलेंगे, इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो जो मिक्सर है यानी कि कहने का मतलब है कि अमीजा जो है, यानी कि अमीजा जो होते हैं, तो अमीजा जाहिर सी बात है कि बहुत सारे चीजों से मिलके बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे जरात से मिलके। इसे मान लेते हैं कि पानी है, नींबू है, दूध है, ठीक है, पानी है, नींबू है, दूध है। तो बच्चों अगर हम अगर एक बात करें तो जो पानी है और दूध है वो एक दूसरे के साथ मिलेगा, मिलेगा ही, क्योंकि दोनों की सिफत एक है, यानी कि दोनों किस शक्ल में है, रकीक के शक्ल में है, यानी कि लिक्विड के शक्ल में है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि नींबू को अगर आप निचोड़ते हैं तो दूध में अगर निचोड़िएगा तो दूध फट जाएगी, क्योंकि दूध नींबू में क्या होती है, एसिड होती है, दूध में भी एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में आपको नींबू में भी एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि जो पानी है तो पानी में नींबू डालिएगा तो वो उसका जो पार्टिकल्स है, वो जरात है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होगी, मूव करने लगेगी, मतलब घूमने लगेगी। तो बच्चों जैसे हम जैसे मिक्सर के बारे में बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने दिया है कि मिक्सर यानी कि अमीजा होता क्या है। तो बच्चों अमीजा जो होते हैं वो जैसे मदा के एक से ज्यादा हासिल शक्लों से मिलकर बनता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे हम अभी बताए हैं, जैसे दूध है, दूध हो गया और पानी हो गया, ठीक है। तो जब दूध और पानी जब हम मिलाते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, मिक्सर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मिक्सर हो सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चीनी भी ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, चीनी मिला देंगे इसमें, यानी कि चीनी मिला के क्या करेंगे, घोल देंगे। तो बच्चों ये जो चीज होगी वो क्या कहलाएगी, मद्दा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मद्दा का मतलब अमीजा कहलाएगी, क्योंकि जैसे हम कोई भी चीज को अमीजा का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं कि मद्दा से एक दूसरे, जैसे मतलब एक से ज्यादा चीज को जब हम मिलाते हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड हो गया, यानी टोस्ट हो, तो जैसे टोस्ट हो उसको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर किशमिश है, काजू है, उसके बाद बादाम है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, अलग अलग तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे हम चाहें तो काजू को अलग कर सकते हैं, किशमिश को भी अलग कर सकते हैं, आपको बादाम को भी अलग सकते हैं। लेकिन अगर वो लिक्विड की शक्ल होगी, मतलब लिक्विड की शक्ल का कहने का मतलब रकीक की अगर शक्ल होगी तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो उसका एक अलग हम बताए हैं कि भाई पीएच स्केल से पता चलता है कि ये जो है प्योर है या इम्प्योर है। बच्चों इसमें जो होते हैं कि जैसे अमीजा जो होते हैं, इसका जो यूज होता है, यानी कि इसका जो इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ तरीकों से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, हटाते हैं, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि दूध है, तो दूध को अगर हम दूध में अगर मलाई आ जाता है तो वो उसका क्या है, जरात है, यानी कि पार्टिकल्स है, यानी छोटे छोटे चीज हैं। तो जब हम उसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल के जब हम घोल देंगे तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, मिक्सर बन जाएंगे, किसका, पानी का और दूध का। बच्चों इसमें क्या है कि देखिए, इसमें हमने बताया है कि अमीजा के अक्साम, अक्साम का मतलब ये होता है कि जैसे इसका टाइप्स ऑफ मिक्सर, मतलब मिक्सर का कितना है, जैसे अमीजा के कितने अक्साम है। तो अमीजा के बच्चों आप देख रहे हैं कि होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है, यानी कि मुतजानिस अमीजा हो गया और गैर मुतजानिस अमीजा, यानी कि होमोजीनियस हो गया और हेट्रोजीनियस हो गया। तो बच्चों होमोजीनियस के बारे में हम जैसे बात करेंगे तो होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि दूध है और पानी है, ये तो आप बहुत बार मिसाल समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि रूहअफ़ज़ा का बॉटल है, रूहअफ़ज़ा का बॉटल है और पानी रखा हुआ है, तो आप जब क्या कीजिएगा कि जब वो भी रकीक के शक्ल में है और पानी भी रकीक है, पानी तो लिक्विड में होता है, तो क्या होगा कि जब हम किसी भी चीज को उसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, वो घुल जाएगा, घुलने के बाद वो होमोजीनियस, मतलब कहने का मतलब है कि मुतजानिस अमीजा हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से वो मिल जाएगा, यानी कि एक दूसरे जो जो
जरात हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आसानी से मिल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी है। तो इसमें क्या है कि अगर पानी में अगर हम कुछ मिला दें, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे हम कुछ मिला दें, तो क्या होगा कि जैसे ही कुछ हम ऐड करेंगे, यानी कि कैसे कुछ ऐड हम कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, जैसे दूध भी हो सकता है, दूध हो सकता है ना, दूध की जगह पे कुछ और भी शक्ल हो सकती है, जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं, जैसे दूध हो गया। तो दूध जब हम इसमें मिलाएंगे, दूध जब हम मिलाएंगे तो पानी के साथ देखिए ये इसके साथ क्या होगा, इसके साथ वो घुलता हुआ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, घुलता हुआ चला जाएगा। तो घुलते हुए चले जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक दूसरे से जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये जो एक दूसरे के जरात होंगे, वो एक दूसरे से मिल के क्या करेंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे, यानी कि क्या बनाएंगे, अमीजा बनाएंगे। और अमीजा जो होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जिस जो सेम तरीके का हो। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे नींबू पानी, जैसे मान लीजिए दूध है और आपको पानी है, उसके बाद आपको अगर हम पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं। जैसे मान लेते हैं खून है, खून के साथ हम पानी चढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लिक्विड होगा, यानी कि जो रकीक होगा, वो हमेशा रकीक होगा। तो जब जब सेम टाइप का होगा, यानी कि रकीक रकीक है, तो जाहिर सी बात है रकीक रकीक रखेंगे तो वो मेरा होमोजीनियस हो सकता है। ठोस ठोस रखेंगे, यानी कि सॉलिड सॉलिड रखेंगे, तो वो भी रकीक हो मेरा होमोजीनियस हो जाएगा। अगर हम गैस गैस रखेंगे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं ठोस, तो जैसे लोहा लोहा है और लकड़ी है, तो जब हम लोहा और लकड़ी को जब हम मिलाते हैं तो वो कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब लोहे के साथ अगर हम अल्मीनियम को रखते हैं, और अल्मीनियम को रखने के बाद हम देखते हैं कि दोनों का मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो सकता है कि वो होमोजीनियस हो सकता है, यानी कि मुतजानिस अमीजा हो सकता है। हेट्रोजीनियस की बात हम समझेंगे बच्चों, कि हेट्रोजीनियस होता क्या है। तो देखिए, इसको गैर मुतजानिस अमीजा कहेंगे। जैसे आपने देखा कि दूध और पानी को जब हम मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि दूध और पानी मिलके होमोजीनियस बनता है। क्योंकि जब हम इसकी बात करेंगे तो या तो रकीक रकीक हो सकता है, यानी कि लिक्विड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, और उसके बाद सॉलिड सॉलिड हो सकता है, और गैस और गैस हो सकता है। यानी कि जब हम बात करें जैसे रकीक की, ठीक है, उसके बाद ठोस की बात करें, उसके बाद गैस की बात करें, ठीक है, तो जब गैस गैस अगर जाएगा तो लिक्विड लिक्विड हो जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा होमोजीनियस कहलाएगा। बच्चों यहाँ तक आपको दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन अब देखिए कि मान लेते हैं कि जब हम हेट्रोजीनियस की बात करें, तो जैसे मान लेते हैं लिक्विड है, तो लिक्विड में बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे रकीक में बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे तेल है, पानी है, दूध है ना, ये मिसालें हैं। ठोस में देखिए, ठोस में बहुत सारे लोहा है, पत्थर है, ईटा है ना, गेहूं है, चना है, जो मतलब तबई जो होते हैं, जिसका फिजिकल नेचर होता है, जिसको हम छू सकते हैं। गैस जैसे मान लेते हैं एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब जैसे हवा, तो हवा में देखिएगा बच्चों, हवा में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, है ना, तो हवा जो होते हैं, हवा मिलके क्या बनाते हैं, एक कहने का मतलब है होमोजीनियस होता है। जबकि हवा में बहुत तरह के गैस पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 है, यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके के गैस इसमें पाए जाते हैं। तो जब हम गैस गैस की बात करेंगे, या सॉलिड सॉलिड की बात करेंगे, या लिक्विड लिक्विड की बात करेंगे, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, होमोजीनियस यानी कि मुतजानिस अमीजा में जाएगा। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें, तो बच्चों यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे सॉलिड हो गया, ठीक है,
यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे कुछ गैस हो गया, जैसे यहाँ पे गैस हो गया, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड हो गया। तो जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, हेट्रोजीनियस, यानी कि गैर मतजानी, जैसे लिक्विड और सॉलिड। तो बच्चों मान लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पे कि लिक्विड, तो जैसे मान लेते हैं दूध, ठीक है, जब दूध के बारे में बात करेंगे तो दूध क्या है, लिक्विड है। लेकिन अगर हम वही उसमें क्या डाल दें, चीनी डाल दें, तो चीनी तो घुल जाने वाला है। लेकिन अगर हम उसमें किसी और चीज को डाल दें, जैसे मिसाल के तौर पे काजू है, किशमिश है, ठीक है, मिसाल के तौर पे काजू है, किशमिश को डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब जो होता है वो सेम शक्ल का नहीं हो सकता। आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, ये हम आपको समझाने की कोशिश किया है। तो बच्चों देखिए, जब नहीं जा रहा है लिक्विड लिक्विड में, तो लिक्विड और सॉलिड में नहीं जा रहा है, तो गैस और सॉलिड में भी नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, और क्या होता है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा पीते हैं, तो सोडा जैसे ही हम लेंगे, उसमें क्या होगा कि कोई चीज को डाल दिया, जैसे मान लेते हैं बर्फ को डाल दिया जाए, तो जो बर्फ है ये यहाँ पे जो जैसे बर्फ है, तो बर्फ में क्या हो रहा है, जो बर्फ के साथ जो जैसे बर्फ जैसे ही हम डाल रहे हैं, तो वो दोनों रिएक्शन करके क्या करेगा, गैस बनाएगा। और सॉलिड जो चीज हम लिए हैं, जिसमें हम पी रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो सकता है कि हेट्रोजीनियस हो जाएगा। गैस और लिक्विड, तो गैस और लिक्विड का एक जैसे मिसाल अगर हम लें, तो गैस और लिक्विड का भी मिसाल बहुत अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मान ले सकते हैं कि जैसे एलपीजी सिलेंडर है, तो एलपीजी सिलेंडर को जब हम बहुत तेजी से अंदर डालते हैं, तो वो गैस के शक्ल में होता है, लेकिन जब वो पूरी तरह से जगह ले लेता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरा लिक्विड। तो बच्चों अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जैसे होमोजीनियस का मतलब सेम तरीके का, जैसे दूध है तो दूध है, पानी है तो पानी है, लिक्विड है तो लिक्विड है, गैस है तो गैस है, सॉलिड है तो सॉलिड है। और हेट्रोजीनियस में बच्चों हम या तो लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा, या तो गैस होगा या तो सॉलिड होगा, या तो गैस होगा या तो लिक्विड होगा। यहाँ पे एक चीज और भी हो सकता है, जैसे सॉलिड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, और यहाँ पे लिक्विड है, गैस है, यानी कि तीनों के शक्ल एक साथ हम लोग मिला के देख रहे हैं। तो बच्चों इसमें हमने आपको ओवरऑल समझाने की कोशिश की है कि अगर इसके अलावा आपको इसमें कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका तसफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।